नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी डॉक्टर गजेंद्र में। लास्ट क्लास में हमने पॉलीसेकेराइड में होमोपॉलीसेकेराइड कंप्लीट किया था और वहाँ पे थोड़ा डाउट आ गया था कि जो इन्यूलिन है वो एक्चुअल में क्या है। तो वो ठीक था, बीटा वन फोर लिंकेज ही उसके अंदर होती है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है, तो वही ध्यान रखना है। अब इन्यूलिन होता कहाँ पर है, तो ये देखो मैं लिखा देता हूँ थोड़ा सा। डहेलिया आपने नाम सुना होगा, डहेलिया या आर्टिचॉक, ये दो प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट होता है, डहेलिया और आर्टिचॉक जो प्लांट है उनकी रूट में इन्यूलिन प्रेजेंट होता है। इसका एक मेडिसिनल यूज भी है। क्या है कि ये यूज होता है किडनी फंक्शन में, ठीक है, हमारी किडनी जो है वो ठीक तरह से काम कर रही है नहीं कर रही है। कैसे? क्योंकि जो ये इनुलिन होता है ये हमारी बॉडी के द्वारा द्वारा मेटाबोलाइज नहीं होता, मतलब इसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे अंदर एंजाइम नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम नहीं है। तो होता क्या है कि ये फ्रक्टोस के जो पॉलीमर है इनुलिन, ये ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर किडनी तक पहुँच जाता है, ठीक है, और वैसे के वैसे फिल्टर होके बाहर आ जाता है, ठीक है, मतलब इसका कोई डाइजेशन नहीं होता और किडनी के थ्रू ये थ्रू यूरिन बाहर निकलता है। तो हम जब कर किडनी का फंक्शन पता करना चाहें तो वो इसके थ्रू ही करते हैं। तो ध्यान रखना कि जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में इनुलिन, बीटा वन फोर लिंकेज होती है और फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। इनुलिन प्रेजेंट होता है डहेलिया और आर्टिचॉक में। एक पॉइंट और लिख लो, ओनली वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल पॉलीसेकेराइड, एकमात्र पॉलीसेकेराइड जो वाटर में सोल्यूबल है वो है इन्यूलिन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए जानकारी पर्याप्त होगी। नेक्स्ट हम आज बात करते हैं वो है कौन सा, हीटरोपॉलीसेकेराइड। हीटरोपॉलीसेकेराइड के लिए मैंने बताया था कि द पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ मोर देन टू टाइप ऑफ यूनिट्स, ठीक है, उसे हम कह देंगे हीटरोपॉलीसेकेराइड। अलग अलग, जैसे यहाँ पे हमने बात की हाई ल्यूरोनिक एसिड जो मैंने बताया था, ये जैसे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यूज, अम्बिलिकल कॉर्ड, लेयर ऑफ ओवम वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको ब्रेक करने वाला एंजाइम है वो कौन सा है, हाई ल्यूरोनिडेज एंजाइम, वो क्या करेगा इसको ब्रेक कर सकता है। बना किसका होगा ये बना होता है ग्लूकोरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन, ये ए है ये बी है, इसकी रिपीटिंग यूनिट आगे ए ग्लूकोरोनिक एसिड, दूसरा बी एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन, इसके बारे में बात कर चुके हैं अपन। ग्लूकोरोनिक एसिड में सी ओ ओ एच जो आपने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि ये बनता कैसे है, तो वहाँ चले जाइए देख लीजिए ग्लूकोरोनिक एसिड क्या होता है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वह है बीटा वन थ्री, ये ध्यान रखना आप, बीटा वन थ्री लिंकेज होती है किसमें, ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के बीच में। लेकिन इन दोनों के बीच में ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड, देखो पहले अगर ये है और बाद में ये है तो बीटा वन थ्री हो गया और इन दोनों के बीच में होगा बीटा वन फोर लिंकेज। बस एग्जाम में क्वेश्चन यही से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पूछ सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, जी ए के बीच में कौन सा है, मतलब एक डाइसेक्राइड यूनिट है ये, इट इज ए पॉलीमर ऑफ डाइसेक्राइड, ये बोल सकते हैं हाई ल्यूरोनिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ डाइसेक्राइड यूनिट। डाइसेक्राइड किस किस का बना है, ग्लूकोरोनिक एसिड और एनएजी का। ए और बी के बीच बॉन्डिंग जो है वो कौन सी है, बीटा वन थ्री, और बी और ए के बीच बॉन्डिंग कौन सी है, ये बी ए बी ए बी चलता रहेगा, वो कौन सी है बीटा वन फोर। बस जो मेन जो बॉन्ड है वो बीटा वन फोर है और जो तो यूनिट के बीच में है वो है बीटा वन थ्री। ठीक उसी तरह हिपेरिन है, हिपेरिन क्या होता है, एंटी कोग्यूलेंट होता है इन ब्लड ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा, ये ब्लड को जमने से रोकेगा। जमने से रोकेगा मतलब है कि हमारे जो वेसल्स है उनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, एंटी कोग्यूलेंट होता है, कोगुलेशन को रोकेगा तभी तो ब्लड फ्लो कर पाएगा। अगर ये हिपेरिन ना हो तो ब्लड क्या है अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर जम सकता है।
हिपेरिन बना होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, हिपेरिन क्या होता है, हाइड्रोपोलीसेक्राइड होता है, इंपॉर्टेंट। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोपोलीसेक्राइड होता है। हिपेरिन है वो ग्लुकुरोनिक एसिड मतलब इसका बना होता है, प्लस एन सल्फेटेड ग्लुकोसामीन। यहाँ पर एन एसिटाइल था, यहाँ पे क्या है, एन सल्फेट, सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, बस ये इतना अंतर है। मतलब हमने जो ये शुगर बनाई थी, ठीक है, यहाँ पर जो एन एच सी ओ सी एस थ्री था, जो एनर्जी बना रहा था, अब यहाँ पर एस ओ फोर आ गया, तो ये बन गया, बस यही डिफरेंस है। बाकी इन दोनों के बीच में बीटा वन थ्री लिंकेज है, इन दोनों के बीच में बीटा वन फोर लिंकेज है, बाकी सब सेम है। ये भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट होता है। आगे बात करें तीसरा, हेमीसेल्युलोज। हेमीसेल्युलोज, सेल्युलोज तो कहाँ प्रेजेंट है, क्या है, सेल्युलोज एक तरह से होमोपोलीसेक्राइड है, और हेमीसेल्युलोज क्या है, हेटरोपोलीसेक्राइड है। यहाँ पर सिर्फ यही ध्यान देना है, हेटरोपोलीसेक्राइड हेमीसेल्युलोज जो होता है वो 4 यूनिट्स का बना होगा, मेनोस प्लस गैलेक्टोस प्लस एरेबिनोस प्लस जाइरिबो। मेनोस, गैलेक्टोस, एरेबिनोस, जाइरुलोस, ये 4 शुगर मिलकर, ये इनसे मिलकर क्या बना होगा, इनसे मिलकर बना होगा हेमी सेल्यूलोस। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने ये जो पॉलीसेक्राइड है मतलब शुगर का पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फंक्शंस बचते हैं, वो आप देख लेना फंक्शंस क्या होता है। शुगर का एक अन्य रोल है वो आपको पता होगा, डीएनए आरएनए के अंदर राइबो शुगर होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस, आरएनए के अंदर राइबोस, तो वो शुगर ही होती है। आगे हम जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तब उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है, शुगर के अंदर स्ट्रक्चर ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रक्चर से ही याद हो गई तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत। वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए। देखो मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई करो सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे अंदर एक मोटिवेशन, एक एनर्जी बनी रहे। अगर ये सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं तो चैनल बंद होगा ही, डेफिनेटली बंद होगा फिर ये, क्योंकि मैं फिर ये नहीं कर पाऊँगा। अगर आप चाहते हो कि चैनल बना रहे, लंबे टाइम तक चलता रहे, मेरे वीडियोस अगर आप लोगों तक पहुँचाओगे तो ही मुझे मज़ा आएगा, लोगों तक पहुँचेगा नहीं तो मुझे क्या मज़ा आएगा बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो फिर आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और इनको शेयर करें वीडियोस को। ठीक है, थैंक यू।